गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो आज ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको अपडेट करवा रहा हूँ एक ऐसी नोटिफिकेशन से जिसका आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आप सभी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स और HRTC लवर्स के लिए एक नोटिफिकेशन HPSSC द्वारा रिलीज़ की गई है, जो कि हमीरपुर चयन बोर्ड के भंग होने की वजह से कंडक्टर की वैकेंसी लटकी हुई थी, वो नोटिफिकेशन दोबारा से रिलीज हुई है। तो आइए सिलसिलेवार में उसको आपको बताऊंगा। बाकी HRTC के रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टार ट्रेंड्स पर। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये नोटिफिकेशन। पिछले कल यानी 3 अप्रैल 2023 को HPSSC द्वारा एक प्रेस नोट रिलीज किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 1 मई 2023 तक 12 बजे तक है। बाकी HPSSC द्वारा इसी नोटिफिकेशन में पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैटेगरी वाइज किया हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट, सारी टोटल पोस्टें 360 हैं, उसमें से अनरिजर्व 130 सीटें हैं। अनरिजर्व वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 4 सीटें हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 38 सीटें हैं। OBC ऑफ HP के लिए 63, OBC ऑफ HP BPL फैमिली के लिए 13 सीटें हैं। OBC ऑफ HP वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2 सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश 73 सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश BPL फैमिली के लिए 13 सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 4 पोस्टें हैं। शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश 15 सीटें हैं। शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए BPL फैमिली के लिए 5 पोस्टें आरक्षित हैं। बाकी जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था और जो काफ़ी दिनों से इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी दुख की खबर ये है कि उनको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, लेकिन आपको फीस सबमिट नहीं करवानी है। और जो लोग अभी जिनको मौका नहीं मिला था, उनके लिए 2-3 महीने का एक फिर से मौका मिल गया है कि इस फॉर्म को दोबारा से भरें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने योग्य है कि आप जब भी फॉर्म भरें, उससे पहले अपना कंडक्टर लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि बाद में काफ़ी दिक्कतें आती हैं उसकी वजह से। उसके बाद आपको टेस्ट क्लियर होने के बाद भी निकाला जा सकता है अगर आपका कंडक्टर लाइसेंस 1 मई 2023 से पहले का नहीं बना होगा। आप इन पोस्ट को www.hp.gov.in/hppsc के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर भर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई सवाल उठ रहे हैं या कुछ आपको HRTC से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कि HRTC से जुड़े रेगुलर अपडेट्स के लिए और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप सभी इस टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे और सभी अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे। तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट।